अब इस सवाल में लिख रखा है कि x बराबर 11 बटा 15 और दूसरा पूछा है x बराबर माइनस का 13 बटा 17। इसके लिए आपको सत्यापित करना है कि जो माइनस कोष्टक माइनस x बराबर x है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि दो माइनस हैं, अगर एक कोष्टक के बाहर है और एक कोष्टक के अंदर है तो इसका मतलब प्लस होता है, जैसे कि आपको ये दे रखा है। तो अपने को इस संख्या के लिए सिद्ध करना है, तो मैं पहले के लिए आपको सिद्ध करके बता देता हूँ कि अगर इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि माइनस और कोष्टक के अंदर माइनस 11/15 तो बराबर क्या होगा, 12 की ये 11/15 भी हो, राइट 11/15 हो जाएगा। इसको सिद्ध भी करके देख सकते हैं अपन। इस सवाल में देखिए 11/15 के अंदर अपने को विपरीत संख्या, विपरीत जो इसमें दे रखा है उसका विपरीत माइनस 11/15 जोड़ना है। जोड़ेंगे, लघुतम लेंगे, लघुतम लिया मैंने 11 और फिर ये माइनस 11, ये दोनों कट जाएंगे और जीरो बचेगा अंत में, आपको जीरो बचेगा यानी कि सत्यापित हो गया। यानी कि जीरो आने पर सत्यापित हो जाता है कि जो संख्या अपने को एक्स का मान दे रखा है वो जो उसका वापस अपन चिन्ह में इसमें मान रखेंगे वो इसका उल्टा है, यानी कि जो एक्स यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा और ये एक्स बचेगा। इसी प्रकार अपने को दूसरा भी करना है, दूसरा भी मैं आपके सामने करके बता देता हूँ। दूसरा कैसे करेंगे आप कि इसको लिखेंगे दूसरा कि एक्स इक्वल टू माइनस का 13/17। तो इसमें क्या करेंगे, इसकी विपरीत संख्या जोड़ेंगे, विपरीत क्या है प्लस का है तो प्लस का मैं जोड़ रहा हूँ इसके अंदर। फिर इसका लघुतम लेंगे, 17 लघुतम आएगा और ऊपर करेंगे माइनस का 13 और फिर प्लस 13 बराबर, ये 13 से 13 कट जाएगा, बचेगा 0, 0/17 इसका मतलब होता है 0। अब 0 आएगा माइन यानी कि सत्यापित हो चुका है, ये सत्यापित हो चुका है, सत्यापित ये हो चुका है कि जो x की वैल्यू अपने को दे रखी है उसका आंसर यही है और ये पूरा सत्यापित हो गया। इस प्रकार से आपको इस सवाल करना है।